बात करेंगे सेफमून क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सेफमून क्रिप्टो करेंसी को लेके जो जो चीज़ें हुई सब आपको पता है। वॉलेट लॉन्च हुआ, एंड्रॉयड वॉलेट लॉन्च किया गया सबसे पहले, जो कि अगस्त में लॉन्च होने वाला था लेकिन सितंबर में लॉन्च हुआ। काफ़ी डिले हुआ 10-15 दिन का, तब वॉलेट लॉन्च हुआ, लेकिन प्राइस पे सेफमून के कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उस वॉलेट लॉन्च होने का। साथ के साथ iOS वॉलेट भी लॉन्च किया गया एक दिन पहले, और एक दिन में इस iOS वॉलेट को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि 77,000 डाउनलोड्स भी हो चुके हैं इस वॉलेट के। जो iOS यूज़र्स हैं, Apple यूज़र्स हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं अब सेफमून का वॉलेट अपने फ़ोन में। ये कुछ चीज़ें अभी तक सेफमून के अंदर हुई हैं। सेफमून के जो प्राइस की अगर बात करें तो काफ़ी टाइम से सेफमून के प्राइस भी स्टेबल हैं। ज़्यादा कोई बड़ा बुल रन या ज़्यादा कोई बड़ा पंप सेफमून के अंदर अभी तक नहीं आया है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है? सेफमून स्वैप के बारे में मैंने आपको बताया, सेफमून एक्सचेंज को लेके आएंगे इसी साल, Q4 का टाइम चल रहा है, सेफमून एक्सचेंज को लेके आएंगे। जॉन कैरोनी ने ये चीज़ कही है, और 17 अक्टूबर को संडे है, वो संडे स्पेशल एक इवेंट रखा है। उस इवेंट में भी सेफमून संडे इवेंट है ये, और इस संडे इवेंट में जॉन कैरोनी क्या कहेंगे वो सब चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सेफमून के प्राइस भी काफ़ी टाइम से स्टेबल हैं। इस साल के एंड तक या अगले साल सेफमून के प्राइस भी ऊपर जाने शुरू हो सकते हैं। बुल रन जो है सेफमून का वो शुरू हो सकता है, और एक अच्छे लेवल को उम्मीद कर सकते हैं। 2-3-0 किल सेफमून कर सकती है। तो अगर आपके पास सेफमून है तो आप होल्ड करके रखो लॉन्ग टाइम के लिए, एक साल के लिए होल्ड करके रखो। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सेफमून के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि 27 लाख जितने भी होल्डर हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़े सपोर्टर हैं सेफमून के। और ऐसे में सेफमून वॉलेट का आना, सेफमून एक्सचेंज, सेफमून स्वैप के ऊपर मैंने बताया था कि नई नई लिस्टिंग्स हो सकती हैं टोकन्स की, तो वो सब चीज़ें गेम चेंजर का काम करेंगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखने वाले हैं। चाहे सेफमून वॉलेट हो, चाहे सेफमून एक्सचेंज हो, चाहे सेफमून स्वैप हो, ये सब चीज़ें का असर जो है आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, और इतना बढ़िया रिजल्ट आपको सेफमून में देखने को मिलेगा आप खुद नहीं सोच सकते। तो अगर सेफमून क्रिप्टोकरेंसी है तो आप वेट करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 रुपये पे जब सेफमून जाएगी, आप 1 से 2 साल का टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि सेफमून के होल्डर बहुत ज़्यादा हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस साल के एंड तक और भी होल्डर बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे होल्डर इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे सेफमून के इन्वेस्टर बढ़ेंगे, सेफमून के प्राइस बढ़ते जाएंगे। साथ के साथ बर्निंग, सेफमून की बर्निंग और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें जब मिलके काम करेंगी, सही डायरेक्शन में काम होगा, तो सेफमून 1 रुपये को भी अचीव कर लेगी, और जल्दी ही कर लेगी। डिपेंड करता है इस साल के एंड तक अच्छे प्राइस, मैं समझता हूँ कि सेफमून अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको सेफमून में जो है अगले साल तो अच्छे पंप देखने को मिलेंगे ही। इस साल आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, तो अगले साल आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही सेफमून के, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस साल हुई हैं और इन सब चीज़ों का आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और भी कोई बड़ी अपडेट आएगी सेफमून को लेके, तो बीच में उनके भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बात ये है, 1 से 2 साल का टारगेट सेफमून है तो होल्ड करके रखो, जल्दी ही सेफमून के प्राइस भी आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। तो यही कुछ अपडेट्स थी। iOS वॉलेट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा होल्डर हैं, बहुत बड़े सपोर्टर हैं सेफमून के कोई, ठीक है। तो फ्यूचर में एक अच्छे रिजल्ट सेफमून आपको ज़रूर दिखाएगी। आप पेशेंस रखें, वेट रखें, जो भी आगे अपडेट होगी सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।